न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रत्येक जनपद में संक्रामक रोग के लिए एक प्रयोगशाला की जाए स्थापित। यूपी आने वाली ट्रेनों का खर्चा कर रही है प्रदेश सरकार वहन। प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को नहीं करना पड़ रहा है कोई भुगतान। मुख्यमंत्री ने दिया सख्त निर्देश, एक भी व्यक्ति खाद्यान्न के पैकेट के बिना ना जाए घर। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किया अपील, कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले और पूरे देश में जहां भी उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा उसे उत्तर प्रदेश वापस लाया जाएगा निःशुल्क। प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री कार्यालय खुद ले रहा है कोरोना मरीजों का हालचाल। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव स्वयं मरीजों के हालचाल की ले रहे हैं जानकारी। दिल को छू जाने वाली इस बातचीत से खुश होकर मरीजों ने इस व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी को कहा धन्यवाद। लॉकडाउन 4 का जिलाधिकारी के विजयन पांडेय ने जारी किया जिले के लिए गाइडलाइन। कहा दुकानों के खुलने और बंद होने के समय के साथ दिन भी किया जाएगा निर्धारित, अनुपालन ना करने वालों पर होगी कार्रवाई। मंगलवार को कोरोना संक्रमण से एक और बुजुर्ग की हुई मौत। वह 5 दिन पूर्व मुंबई से लौटा था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की जाँच में कोरोना की हुई तस्दीक। कमिश्नर डीएम एसएसपी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ किया स्पोर्ट्स कॉलेज का निरीक्षण। कोविड-19 के मद्देनजर लेवल 1 के हॉस्पिटल बनाने की व्यवस्था का लिया जायजा। कहा आवश्यकता पर यहां कोरोना मरीजों को कराया जाएगा क्वारंटाइन। डीएम और एसएसपी ने किया गीता प्रेस, शेखपुर, हार्वर्ड, बंधा सहित 0 पॉइंट कालेश्वर का निरीक्षण। श्रमिकों को बसों से भेजने के दिए निर्देश। कहा बाहर से आए सभी लोग रहे होम क्वारंटाइन। रविवार को पुलिस द्वारा भाजपा नेता की पिटाई पर सख्त हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता। उरवा बाजार के थानेदार को किया लाइन हाजिर, खजनी थाने पर तैनात। एसआई दुर्गेश सिंह को सौंपा उरवा थाने का प्रभार। साउथ क्षेत्र में बना 5 हॉटस्पॉट। एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा संबंधित एसडीएम की देखरेख में हॉटस्पॉट ग्राम के ग्राम प्रधान के माध्यम से खाद्यान्न सहित अन्य जरूरी सामानों का कराया जा रहा है आपूर्ति। गोरखपुर महानगर के तहसील सदर में बने 4 कंटेनमेंट जोन में हो रही है डोर टू डोर सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कंटेनमेंट जोन के नागरिकों से की अपील। कहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मिलकर लड़ेंगे कोरोना से और सभी के सहयोग से हराएंगे कोरोना को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर मंगलवार को लगभग 21,500 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेन। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम के बसों से उनके गंतव्य को किया गया रवाना। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर योगी सरकार को दिया धन्यवाद। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया नवनिर्मित फर्टिलाइजर पुलिस चौकी का उद्घाटन। पौधारोपण कर चिलुआताल थाने का भी किया निरीक्षण। साफ सफाई की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के दिए निर्देश। नगर निगम और रोडवेज संयुक्त कर्मचारी परिषद के कर्मचारियों ने मंगलवार को वेतन भत्तों की कटौती को लेकर काली पट्टी बांध कर किया विरोध प्रदर्शन। कहा फैसला वापस ले सरकार। महानगर के नागरिकों से एसडीएम सदर ने कहा आवश्यक सेवाओं की लिस्ट और उनका मोबाइल नंबर है जारी, उन नंबरों पर कॉल करके ले सकते हैं होम डिलीवरी की सुविधा। लॉकडाउन के चौथे चरण में मंगलवार को भी भेजी गई विभिन्न वार्डों में सब्जी की गाड़ियां। फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री ने कहा पूरे लॉकडाउन तक डोर टू डोर भेजी जाएगी सब्जी की गाड़ियां। जिला अस्पताल में तैनात फार्मासिस्टों ने इप्सेफ के आह्वान पर कॉलिंग अटेंशन अभियान के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काला फीता बांध कर जताया विरोध। वेतन भत्ते को बहाल करने की मांग। और लॉकडाउन के चौथे चरण में मंगलवार को भी महानगर में दिखी चहल पहल। सीओ कैंट ने लोगों से की अपील, बहुत ही आवश्यकता पर और कम से कम निकले घरों से बाहर।